जो है 1900 जो सीएनटी एक्ट है उस समय से शेड्यूल कास्ट है। ट्राइबल ने जाने का हम विरोध किए थे। 1912-13 का खतियान शेड्यूल कास्ट भोगता है। 309 शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गजट है शेड्यूल कास्ट भोगता है। कहा गया कि खैरवार का उपजाति पर्यावचित जाति भोगता है, जबकि हम लोग मूल जाति भोगता है, वहाँ खैरवार नहीं है। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत का चुनाव है, हम लोग वार्ड सदस्य से लेकर के प्रमुख मुखिया पंचायत समिति चेयरमैन तक हम लोग बनते हैं, विधायक सिमरिया चतरा भी बनते हैं। और 223,000 की संख्या है और चतरा में ही संख्या है, नहीं कि झारखंड में जहाँ तहाँ कम बेसी है। अब वार्ड सदस्य मुखिया जिला परिषद परिषद प्रमुख को नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा समाज के लिए क्षति है। अब आरक्षण के बाद तो दूर है, हम लोग को जो आरक्षण था एसी का उसको ओमिट करके एसटी कर दिया गया। अब हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट भोक्ता नहीं बन रहा है। अब एसटी सर्टिफिकेट मांगते हैं तो बोलता है कि आपका खतियान में एसी है, जब एसी मांगते हैं तो बोलता है कि ओमिट हो गया। तो ना हम लोग इधर के हैं ना उधर के हैं। तो ये हम लोग शुरू में ही विरोध किया था कि लाभ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भोक्ता समाज को विलुप्त करने का बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। और वही अभी हुआ कि किसी जितना हम लोग नॉमिनेशन पूरा जिला में हुआ सभी रिजेक्ट कर दिया गया, समाज अब वंचित रहेगा प्रतिनिधि से। और ट्राइबल स्टेट है, क्या विकास है, क्या रोजगार है, क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा भोक्ता समाज के, वो भी हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सोची समझे एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिलकर भोक्ता सबको विलुप्त करने का पूरा प्रयास किया गया।